कर देता हूँ। स्वामी जी, जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं क्या उनको सिद्धि मिलेगी, क्या उनको मोक्ष हो सकता है? भाई जी, हम सुन समझ नहीं पाए आप क्या कहना चाह रहे हैं। जी, मैं ये कह रहा था कि जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं उनको क्या सिद्धि मिलेगी, क्या उनकी उपासना से मतलब मोक्ष होगा उनको? मोक्ष किसी भी तरह के कर्मकांड से तो नहीं होगा। वो मूर्ति पूजा करते हो, वो हवन करते हो, वो कुछ और कर्मकांड करते हो, ये प्रत्येक कर्मकांड अधिक से अधिक लोगों को कुछ प्रेरणा दे सकते हैं सच्चे धर्म अध्यात्म की ओर आने के लिए, है ना, एक खिलौना माध्यम बन सकते हैं। केवल इनको करते रहेंगे तो इससे तो कुछ नहीं होने वाला, ये तो निश्चित है। जब तक आप सत्य को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, अपनाएंगे नहीं, तो प्रत्येक कर्मकांड कुछ भी कर लीजिए, जो भी अपने तरीके से करता हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो, तो ये प्रत्येक कर्मकांड से नहीं होगा। प्रत्येक कर्मकांड लोगों को आकर्षित करने का एक माध्यम हो सकता है कि भाई ये पूजा हवन ये रखा गया है, उस माध्यम से लोग आए, थोड़ी सी उनकी भावना जुड़े और स्वाध्याय चिंतन की ओर वो प्रवृत्त हों, और इस तरह से जब सच्चे धर्म को जानेंगे, समझेंगे, अपनाएंगे, तभी कह सकते हैं भ्रमों से मोक्ष प्राप्त होगा। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी नमस्ते। मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि मूर्ति पूजा हमारे लिए एक आरंभिक अवस्था तो हो सकती है, लेकिन मोक्ष एक अलग विषय है जिसका मूर्ति पूजा या इस तरह के किसी भी कर्म कांड से कोई भी दूर दूर तक उसका संबंध ही नहीं है। मोक्ष जो है हमको अपने मन की वृत्तियों के नियंत्रण और लिप्साओं वासनाओं से दूर रह कर के निरपेक्ष भाव में जीने से तो मिल सकता है, लेकिन मूर्ति पूजा से कदापि। मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि वेद मंत्र में आया है ना कि तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विदते है, इसीलिए मैंने ऐसा प्रश्न किया था। जी बिल्कुल ठीक है, वही बात मैंने कही, वही बात हरीश जी ने कही, तो वो एक प्रारंभिक माध्यम तो हो सकता है लोगों को उस दिशा में आने का, जुड़ने का। जिसे प्राथमिक स्तर पर बच्चों को हम कासे कबूतर आदि पढ़ाते हैं, तो वो अक्षर को पहचानने का, जोड़ने का उन बच्चों के लिए एक माध्यम है। हम ये तो नहीं कह सकते कि ऐसा मत करो, हम सब ने किया है बचपन में, हम सब ने ऐसे ही पढ़ना प्रारंभ किया है, परंतु अब यदि इस समय भी हम वही कासे कबूतर पढ़ते रहेंगे तब तो वो विद्वान नहीं बन पाएगा। फिर तो कहेंगे, नहीं कह सकते कि उसकी विद्या पूरी हो गई। वो तो विद्या की ओर बढ़ने का, अक्षर को पहचानने का एक प्रारंभिक माध्यम हो सकता है, वहां तक ठीक है अधिक से अधिक, लेकिन उससे तत्काल हमें मुक्त भी होना होगा। ऐसा नहीं, अरे भाई ये तो प्रारंभिक माध्यम है और जीवन भर आप वही करते रहें तो फिर कोई लाभ नहीं है, है ना, ये हमें समझना पड़ेगा। ओ जी, हरीश जी, शशि जी, आप लोग भी कुछ कह सकते हैं। स्वामी जी नमस्ते। आजकल जो ये मूल मूल मास बोलते हैं ना, अधिक मास, ये सब चल रहा है, तो बहुत बहुत से लोग बोलते हैं कि
इन दिनों कोई भी अच्छा काम नहीं करना चाहिए, कोई भी कुछ काम नहीं करना चाहिए, तो इस पे हम, ये सही है या गलत है, मतलब इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। जी अवश्य बताएंगे। ये जो मलिन बुद्धि वाले लोग हैं, वे ऐसा कह रहे हैं कि ये मल मास है और इसमें अच्छा कार्य ना करें। ये ऐसा कुछ नहीं है। ये सामान्यता हम लोग जानते हैं, जो ये चंद्रमास होते हैं, वे चंद्रमा के एक चक्र पर निर्भर करते हैं, और चंद्रमा का एक चक्र 29.5 दिन के लगभग होता है। अब 29.5 दिन को 12 से गुणा करेंगे तो वर्ष में जो 12 महीने होंगे चंद्र के, पूर्णिमा अमावस्या वाले 12 मास, और जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है उसमें 365 से अधिक दिन लगते हैं, तो ये लगभग 10-11 दिन का अंतर आ जाता है। तो इसलिए ये अधिमास आता है लगभग 3 वर्ष के अंतराल में, जिससे ये सौर वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच का अंतर बराबर किया जा सके, दोनों को एक उस पर लाया जा सके। आप देखते हैं कि चंद्रमास के अवधि कम है, पर जो भी हमारे पर्व त्योहार या ऋतुएं होती हैं, वो उससे बहुत दूर नहीं जाती। यदि ये श्रावण का मास वर्षा ऋतु है तो ये वर्षा ऋतु रहेगी चाहे जो भी हो। यदि अधिमास न लगता तो पता चला 2-3 वर्ष के बाद श्रावण मास में लू चल रही होती, इसी प्रकार से वो खिसकता जाता। जैसे आप देखिए मुसलमानों के जो त्योहार होते हैं, ईद बकरीद आदि वो मनाते हैं, उनका महीना भी चंद्रमा पर आधारित है। वो चंद्रमा को देखकर ही अपना नया मास, नया वर्ष प्रारंभ करते हैं। तो उनका मास पूरी तरह चंद्र पर निर्भर है। चंद्रमा के 12 मास पूरे हुए, उन्होंने एक वर्ष पूरा कर लिया, और सौर वर्ष के दृश्य वो 10-11 दिन पीछे रह गया। इसीलिए उनका हर पर्व, आप ध्यान दीजिए, पिछले वर्ष उनकी ईद जिस तारीख को पड़ी होगी, जिस तिथि को, इस बार उससे 10-11 दिन पहले पड़ जाएगी, अगले वर्ष उससे भी 10-11 दिन पहले पड़ जाएगी। तो इस प्रकार वो पीछे खिसकता जाता है। कभी गर्मी में ईद पड़ रही है, कभी जाड़े में पड़ रही है, कभी कब पड़ रही है, तो ऋतुमे के साथ उनका तालमेल नहीं, क्योंकि उसमें अधिमास नहीं लगता। उनके यहाँ अधिमास की व्यवस्था नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है उनके पास। यदि वो अधिमास कर लेते तो ये समस्या नहीं आती। तो इस समस्या को हल करने के लिए अधिमास लाया गया है। इसे आप जैसे लीप ईयर कह सकते हैं, 4 वर्षों में फरवरी 29 दिन की हो जाती है, 3 वर्ष वो 28 दिन की होगी और 4th वर्ष 29 दिन की हो जाएगी, जिससे संतुलन बना रहे। 365 दिन का वर्ष होगा, 4th वर्ष 366 कर दिया जाएगा, तब ये संतुलन बना रहता है। यदि वो 366 ना करें, फरवरी 29 ना करें, तो उनका भाई वही हाल होगा। मालूम पड़ा कि जनवरी का महीना गर्मी में पड़ने लगा, तो 4 वर्ष में 1 वर्ष 1 दिन बढ़ा करके वो उसको संतुलित कर लेते हैं। तो ये संतुलन के लिए, जैसे वो लीप ईयर कहते हैं, फरवरी 28 के 29 कर लेते हैं, वैसे हम लोगों का जो ये अधिमास है, वास्तव में मलमास नहीं कहना चाहिए, ये अधिमास अधिक मास आता है। इस वर्ष अधिमास है, इसका अर्थ है इस वर्ष में चंद्रमा के 13 महीने होंगे और वो ऋतु का चक्र बराबर संतुलित बना रहेगा। इसका केवल ये कालगणना के दृष्टि से ये महत्व है, और इसको अन्य किसी विचार से जोड़ना उनके बुद्ध की मलिनता ही कही जा सकती है, और कुछ नहीं। ओ जी स्वामी जी, धन्यवाद। जी राष्ट्र के नाम से आप दिख रहे हैं, आपका जो भी नाम हो, संभवतः आप पहली बार जुड़े हैं या पहले जुड़ते रहे हैं, तो अपना परिचय दे दें और कुछ कहना चाहे तो बोलिए। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अमन शर्मा है, मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ हूँ। ये रविवार को सत्याग्रह प्रकाश का जो मतलब प्रकाश का जो प्रवचन हुआ था उसमें जुड़ा हुआ था। तो वहीं पर मेरे मन में प्रश्न था, मुझे उसका मतलब थोड़ा बहुत समझ में आया था।
लोग ज्यादा थे तो मैं पूछ नहीं पा रहा था, तो क्या मैं अपना प्रश्न वापस पूछूं? जी अवश्य पूछिए, अवश्य पूछिए, हम सभी प्रश्नों का स्वागत करते हैं, बोलिए। ओम जी, तो सत्याग्रह प्रकाश में ज्योतिष के विषय में लिखा हुआ है कि जो ज्योतिष होती है वो सब लोग पाखंडी वगैरह होते हैं, मतलब जो ज्योतिष बताते हैं, जो ज्योतिष में जो फल बताते हैं वो नालायक होते हैं, बाकी जो गणितीय ज्योतिष है वो सही है, लेकिन जो फलित ज्योतिष है वो गलत है। लेकिन जैसे मेरे मामा जी भी हैं और अन्य भी, मैंने बहुत बड़े बड़े ज्योतिषियों को देखा है, वो ज्यों का त्यों सब कुछ बता देते हैं। जैसे ही आप उनके पास जाएंगे तो वो आपके बारे में सब कुछ बता देंगे कि आप मतलब आपके घर का एरिया ऐसा है, वहाँ पे ये है वो है, आपके पीछे यहाँ पे है, आपका पीछे का एरिया खुदा हुआ है, आपके भगवान है, आपके यहाँ पे समुद्रा ऐसा है, तो सब कुछ बता देते हैं उनके बारे में, तो ये कैसे संभव है, ये मेरा प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है और निश्चित रूप से हम लोगों को इसे जानना समझना चाहिए। देखिए, यदि ऐसा कोई व्यक्ति आपकी जानकारी में है तो अच्छी बात है, दोनों पक्ष सामने रखें, उसके पास कुछ विद्या कुछ कला तो है, इसको नकारा नहीं जा सकता, है ना। लेकिन जिस ज्योतिष की बात सत्यार्थ प्रकाश में की गई है, उस ज्योतिष और इस कला में कुछ अंतर है, उसे भी समझें। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री है, लोग जाते हैं प्रश्न रखते हैं, वो लिखित उत्तर आदि उसको दे देते हैं, और टीवी पर बहुत से लोग सामान्य वस्त्रों में सामान्य रूप से आए, जो उनसे अधिक यह सब कार्य करने दिखाने में सक्षम है, उन्होंने कहा भाई ये कला है, हमने सीखी है, आप भी सीख सकते हैं। अब उसी को एक दूसरा व्यक्ति धीरेन्द्र शास्त्री, वो उसको बालाजी हनुमान जी की सिद्धि और चमत्कार के नाम पर बता करके एक भेंट जुटा रहा है, उसका लाभ उसको मिल रहा है अलग तरीके से। मैं किसी को अच्छा या बुरा नहीं कह रहा, एक विद्या है एक कला है, उसका सदुपयोग दुरुपयोग कौन कैसे करता है वो उसकी इच्छा पर है। तो आपने जो बताया वो ज्योतिष से संबंध उसका मुझे अभी नहीं दिख रहा है। ज्योतिष क्या है वो, जैसे अभी इन्होंने प्रश्न किया भाई ये अधिमास चल रहा है तो अधिमास में कोई अच्छा कार्य ना करें, अरे भाई क्यों ना करें, समय है तो वही चल रहा है, इसमें ऐसा क्या अंतर आ गया, मंगलवार को ये शुक्रवार को ये, और साहब ये समय बृहस्पति का उदय और शुक्र का अस्त, आपकी कुंडली में ये ग्रह नक्षत्र यहाँ है, तो कुंडली से ही व्यक्ति का सारा भविष्य जन्म के समय से तय हो जाएगा, तो समाज की अन्य व्यवस्थाएं तो व्यर्थ है, जन्म से ही तय हो गया कि ये संत बनेगा ये अपराधी बनेगा ये क्या बनेगा, तो बाकी ये सारी व्यवस्थाएं बनाना तो व्यर्थ है, कुंडली देखकर तय कर लीजिए कि साहब इसको बनना है, वो वैज्ञानिक बन गया, वो डॉक्टर बन गया, वो इंजीनियर बन गया, उसको देश का राष्ट्रपति बना दो, और ये तो चलो आपने कुंडली देखी, इसको तो अपराधी बनना है, क्यों ना उसको उसी समय मार दिया जाए, समस्या हल, कोई अपराधी नहीं होगा। तो दोनों बातें ठीक है, जो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है उसकी मूल भावना को यदि आप समझें कि कुंडली बनती है वो भी ठीक है, कुंडली में ग्रह नक्षत्रों से स्पष्ट हो जाता है कि उस जातक का जन्म किस समय हुआ, उसकी जन्म तिथि जन्म का समय बिल्कुल निश्चित हो जाता, ये बहुत अच्छी बात है। राम आदि का समय हम उसी से निर्धारित कर रहे हैं कि राम के जन्म के समय में कौन सा ग्रह नक्षत्र किस स्थान पर था, ये वर्णन जो वाल्मीकि रामायण में मिला उसी से लोगों ने कंप्यूटर पर गणना करके बताया कि राम का समय ये है, इतने वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था, महाभारत के इतने वर्ष पूर्व या ईसा के इतने वर्ष पूर्व या विक्रम के इतने वर्ष पूर्व, तो ये गणना उसी आधार पर की जा सकी, तो उस गणना को तो कोई भी अनुचित नहीं कह सकता। लेकिन कोई ये कहे कि राम का जन्म इस ग्रह नक्षत्र में इस समय हुआ था इसलिए वो भगवान बन गए, इसलिए उनको वनवास हो गया, ऐसा ना होता तो उन्हें वनवास नहीं होता, वो राजा ही बन जाते, ऐसा ना होता तो वो भगवान नहीं बनते, वो अपराधी बन जाते, वो इतने अच्छे व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन पाते, तो ऐसा नहीं है। उस जन्म के समय कौन ग्रह नक्षत्र कहाँ था उससे जन्म की तिथि समय आदि तो निश्चित हो जाती है, लेकिन उस व्यक्ति का गुण कर्म स्वभाव भविष्य में वो क्या करेगा और उसके साथ क्या घटित होगा,
यह निश्चित नहीं होता। जो सत्ता प्रकाश की मूल भावना है वो ये है, उसको हमें इस रूप में समझना चाहिए। और बाकी अनेक प्रकार की विद्याएं हैं, जैसा कि आपने कहा, कोई व्यक्ति गया उसका चेहरा देखकर उन्होंने बहुत कुछ बता दिया, तो निश्चित रूप से उनके पास कोई इस तरह की विद्या है। हाँ, अब उनके पास ये विद्या है, मैंने माना कि आपके मामा जी या कोई निकट मित्र आए तो उनके पास ऐसे कोई विद्या साधना होगी, मैं स्वीकार करता हूँ। अब ये भी है कि आपने यहाँ बता दिया सबको कि ऐसी विद्या उनके पास है, अब कुछ धूर्त निकले, उन्होंने अपने 10-20 साथी कार्यकर्ता तैयार किए और कौन व्यक्ति आ रहा है उसके बारे में जानकारी कर ली और एक व्यक्ति को बाबा जी बनाकर बैठा दिया गुरु जी, चुपके से उसको जानकारी दे दी, देखो ये व्यक्ति आ रहा है, इसके घर में ऐसा ऐसा है, और बाबा जी ने उसको देखते ही बोलना शुरू कर दिया। बोले बाबा जी कितने सिद्ध हैं, वो सिद्ध नहीं है, वो केवल ठग हैं, इस तरह से जानकारी जुटाकर लोगों को सुना रहे हैं। तो हो सकता है आपके मामा जी या जो आपके मित्र हैं उनको वाकई कोई कला विद्या ऐसी आती हो, ये संभव है, मैं इसे नहीं नकार रहा हूं, परंतु इस तरह से भी लोग कर सकते हैं, ये भी आप मानेंगे। तो हमको अपनी बुद्धि को खुला रखकर विवेक से विचार करना चाहिए कि जो कुछ वो कह रहा है, कर रहा है, व्यवहारिक रूप से वो संभव है या केवल असंभव कल्पनाओं के आधार पर वो एक तरह से लोगों को ठगने का प्रयास कर रहा है, ये दोनों बातें ध्यान में रखकर चले, मेरा ये निवेदन है। आचार्य जी, मैं कुछ और आगे मतलब कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। इसके बाद में एक और प्रश्न था कि जैसे लड़का और लड़की का विवाह होना है तो जो उनकी कुंडलियां रहती हैं, कई बार कुंडलियां नहीं मिलती हैं, ऐसे कहते हैं 36 गुण होने चाहिए, 18 गुण होने चाहिए, 18 गुण से जो कम गुण होते हैं उनमें विवाह नहीं होता। तो मेरी दृष्टि में ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जिनमें उन दोनों के गुण नहीं मिलते तो वो दोनों शादी नहीं करते, और जो लोग प्रेम के वशीभूत होकर विवाह भी कर लेते हैं उसके पश्चात उनके जीवन में बहुत सारे संकट आते हैं, और कई बार जो मंगल दोष होता है ऐसा कहते हैं कि मंगल दोष में पति की मृत्यु भी हो जाती है, तो इस बारे में कुछ बताइए स्वामी। इस दृष्टि अगर मैं बात करूं, आपने विवाह से संबंधित जैसे रखा, इस तरह की शादियों में अधिकतर कुंडली मिलाई जाती है, तो प्राचीन समय में तो ऐसा अधिकांश ग्रंथों में वर्णित नहीं मिलता, वाल्मीकि रामायण का भी अध्ययन करेंगे तो उसमें माता जानकी और राम इनके गुण और स्वभाव कर्मों को देखा था, ना कि कुंडली को, तो अधिकतर। अरे भाई जी, मैं वो नहीं पूछ रहा आपसे, देखिए शास्त्रों में है नहीं, मैं ये धरातल की अभी की स्थिति के वर्तमान स्थिति के बारे में पूछ रहा हूँ कि अभी जो कुंडली मिलाई जाती है, अब जो कुंडली अगर नहीं मिलती है तो लोग विवाह नहीं करते, फिर भी प्रेम के वशीभूत होकर कुछ लड़का लड़की विवाह कर लेते हैं अभी अभी स्थिति में, वर्तमान स्थिति में, तो उनमें क्या होता है, या तो मतलब बहुत सारे संकटों का उनको सामना करना पड़ता है, और कभी कभी जो उनके कर्म जो गुण होते हैं वो नहीं मिल पाते, मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा है, और कभी कभी तो उनके पति की मृत्यु हो जाती है मंगल दोष के कारण, तो उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। स्वामी जी, आप बिल्कुल ठीक प्रश्न है आपका, मैं सहमत हूँ सीताराम जी, मैं बता रहा हूँ उनको, तो इनका निर्दोष प्रश्न है तो उसको हमें उसके सकारात्मक रूप से लेना चाहिए, ठीक है ना, उन्होंने एक व्यवहारिक बात की है तो उसका हमें उसी रूप में ग्रहण करके उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए। आप हमसे कितना सहमत होंगे नहीं होंगे वो बात की बात है, मैं प्रयास करता हूं कि आपकी बात को मैं समझ सकूं और समझा सकूं लोगों को। देखिए, जो बहुत कुंडली मिलाकर बड़े बड़े योग लोग सारे गुण मिलाकर विवाह करते हैं, वहां भी समस्याएं आती हैं, वहां भी असफलताएं आती हैं। अब इसे इन्होंने कहा वाल्मीकि रामायण को छोड़ दें, आप एक बार ये भी आपने सुना होगा कि गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, है ना, वशिष्ठ जैसे गुरु तमाम शोध के लगन धरे, विवाह हुआ, राज्याभिषेक की तैयारी हुई, परिणाम क्या निकला, सीता का हरण हो गया, दशरथ का मरण हो गया, 14 वर्ष वनवास काटा, कितने संकट नहीं आए। तो यदि माना जाए कि ऐसा कोई विधान था तो वशिष्ठ जैसे व्यक्ति ने यह सब देखा सुना होगा, उसके बाद यह हुआ होगा। तो जैसा इन्होंने कहा ठीक है, रामायण में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कुंडली मिलाने का, एक अलग विषय, बिल्कुल ठीक बात है। जो हम लोग देखते हैं कि आप प्रेम विवाह की बात करते हैं,
राजा लोग तो सेना लेकर जाते थे, लड़की उठा लाते थे। कृष्ण रुक्मणी को वो उठा लाए, अर्जुन कृष्ण की बहन सुभद्रा को ऐसे ही उठा लाए, पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को उठा लाए, कुंडली नहीं मिलाई गई, सीता का स्वयंवर होना था तो जो धनुष चढ़ाएगा उससे विवाह होगा, कुंडली नहीं मिलाएंगे, उसकी शक्ति देखेंगे, द्रौपदी का विवाह होना था तो जो मछली की आग भेदेगा उससे विवाह करेंगे, कुंडली नहीं मिलाएंगे, उसकी कला देखेंगे उसमें कितनी सामर्थ्य है। तो कुल मिलाकर बात यही हुई कि पर उसे चुना जाता था जो इतना बलशाली शक्तिशाली हो, जो उस कन्या को सुरक्षित रख सके और उसके सुख दुख का ध्यान रख सके। परंतु देखा सीता के साथ क्या हुआ, द्रौपदी के साथ क्या हुआ, और जाने किस किस के साथ क्या हुआ, यह भी एक प्रश्न है, बिल्कुल सटीक है। आज भी जो बहुत कुंडली मिलाकर विवाह करते हैं तो वे विवाह भी असफल होते हैं, वहां भी मृत्यु होती है। और जो प्रेम विवाह कथित रूप से या बिना कुंडली मिलाए जो लोग कर लेते हैं वे विवाह भी बहुत से सफल होते हैं। कुंडली मिलाने की परंपरा हम लोगों में मान लीजिए है, पूरे विश्व में तो नहीं है, अनेक देशों में तो ये सब चीजें लोग जानते मानते ही नहीं, वहां भी विवाह होते हैं, बहुत से विवाह सफल भी होते हैं, बहुत से असफल भी होते हैं, बहुत से विधवा विधुर भी हो जाते हैं। तो उसको ऐसा ही नहीं मान लेना चाहिए, हो सकता है संयोग बस आपने कोई कुंडली देखी उसमें मंगल दोष था या अन्य कोई ऐसी स्थिति थी और संयोग से उसके साथ ऐसी कोई घटना घट गई, तो अब किसी के मन में बैठ गया देखो पंडित जी ने कहा था मंगल दोष है, नहीं माना, कर लिया विवाह, अब भुगतो। तो ऐसा हो सकता है। क्या समाज में हम एक व्यापक सर्वे कर सकते हैं कि एक साथ आप ऐसे 1000 लोगों को देखें, उनकी कुंडलियां मिलाएं और उसके बाद उनके जीवन का अध्ययन करें, क्या उन 1000 लोगों का सबका जीवन उनकी कुंडली जो बताती है उसके अनुसार चल रहा है? निश्चित रूप से आप पाएंगे ऐसा नहीं चल रहा है। संयोग से कुछ उदाहरण तो मिल सकते हैं, कोई ज्योतिषी कोई भविष्यवाणी कर पाता है, चलिए किसी ने ज्योतिषी आज ये भविष्यवाणी करने की स्थिति में है कि अगले चुनाव में किसका क्या हाल होने वाला है, कहो जिसको वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना रहे हो, ईश्वर करे पता नहीं उस चुनाव में वो टिकट पाएगा कि नहीं पाएगा और उसका क्या हाल होगा। तो बड़े बड़े ज्योतिषी हमारे भी संपर्क में है जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैंने बहुत प्रतिष्ठित हैं, तो उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, व्यक्तिगत रूप से मिले, मैंने उनसे पूछा भाई जी ये बताओ कि आप कुंडली भी देखते हो, हस्तरेखा भी देखते हो, ये भी करते हो वो भी करते हो, इनमें ज्यादा विश्वसनीय क्या है, कुंडली हस्तरेखा या अन्य कोई विधा? बोले देखो भाई असली तो हम हैं, बाकी हम क्या करते हैं वो बात की बात है। मतलब समझे, मतलब क्लाइंट उनका जिस भाव समझे उसको समझा कर उससे उनको अपनी फीस लेनी है, उसको जो लगता हो उसको उसकी भाषा में समझा दो। ये अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोगों का जो व्यक्तिगत रूप से मित्रवत अगर उनसे चर्चा हुई तो ये निकल के आया है, स्वाभाविक है नाम तो नहीं लूंगा, ये मर्यादा के विरुद्ध है कि ऐसे लोगों का नाम लिया जाए। तो ये सच्चाई है, इस पर कभी तटस्थ भाव से जिसे वैज्ञानिक सर्वे करते हैं क्या किया गया कि 1000 लोगों का परीक्षण करें, किसी विद्यालय में जाएं और कक्षा के सभी विद्यार्थियों की कुंडली देखकर आप बता दें कि परीक्षा में किसका कौन सा स्थान बनेगा या अगले एक वर्ष में किसको कौन सा रोग दोष दुर्घटना होने वाली है, क्या ऐसा कोई परीक्षण किया गया? आज तक मेरी जानकारी में नहीं आया तो किसी ज्योतिषी ने ऐसा कोई निष्पक्ष परीक्षण किया हो कि वो 100 लोगों का 1000 लोगों का परीक्षण करके सबकी भविष्यवाणी लिख देगा और एक वर्ष बाद देखा जाए उनमें से कितने प्रतिशत भविष्यवाणियां सही हुई, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए मानना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा ना कुछ कला तो हो सकती है जिसके माध्यम से वो लोगों का कुछ हित भी करता हो, इसके लिए हम उसकी प्रशंसा करेंगे, वो हमारे लिए सम्माननीय भी हो सकता है, परंतु ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इसके नाम पर ठग विद्या अधिक है और वास्तविकता में अच्छी बात उतनी नहीं है, मेरा ऐसा अनुभव कहता है। आप सहमत या असहमत हो सकते हैं, वो आपको अधिकार है। जी मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, मेरा यदि मैं आपका अधिक समय ना ले रहा हूँ तो क्या मैं और भी प्रश्न पूछ सकता हूँ? जी बोलिए, कोई बात नहीं, प्रश्न करने के लिए यह सत्र है।
जी, एक और प्रश्न है। जब हमारे जो मतलब मंदिर के आचार्य जी हैं वो बहुत बड़े ज्योतिष हैं, उनसे मैंने इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश का मैं प्रतिदिन अध्ययन करता हूँ। तो मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि ज्योतिष जो आप पढ़ा मतलब आप ज्योतिष वगैरह बताते हैं, इसकी मतलब अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाए कि जैसे हमारे यहाँ पे पाकिस्तान द्वारा आक्रमण होता है, बांग्लादेश द्वारा आक्रमण होता है, या फिर हमारे सी भारत के अंदर भी बहुत सारे लोग होते हैं जो इस प्रकार की हरकतें करते रहते हैं, तो वो ज्योतिषी क्यों नहीं बताता? तो वो उन्होंने ये कहा कि ज्योतिषी तो बता देता है, लेकिन सरकार को मानना भी तो चाहिए। जैसे उन्होंने फिर उदाहरण दिया मुझे चाणक्य का। चाणक्य भी बहुत बड़े ज्योतिषी थे। वो यवन आक्रमण मतलब उन्होंने अनुमान लगा लिया था अपने ज्योतिष के द्वारा यवन आक्रमण का, इसीलिए वो राजा घननंद के पास गए थे अपने ज्योतिष के बल पर कि हमारे यहाँ पे आक्रमण होने वाला है। अगर ऐसा नहीं होता तो उनको कैसे पता होता कि यवन आक्रमण होने वाला है? उस समय अन्य किसी और को पता नहीं था, केवल चाणक्य को पता था। तो इसके बारे में आचार्य जी आप बताइए। जी, एक बात तो ये कहीं भी उल्लेख नहीं है कि चाणक्य को यवन आक्रमण का पता था। एक बात, चाणक्य और यवन तथा कथित सिकंदर समकालीन है, अभी तो यही तय नहीं है। नंद वंश कब हुआ इसका अगर इतिहास में देखें तो आपके सारे पुराण ये कहते हैं कि परीक्षित का जन्म कब हुआ? महाभारत के युद्ध में परीक्षित अपनी माँ के गर्भ में था, ये सब लोग जानते हैं। अर्थात परीक्षित का जन्म महाभारत युद्ध के तत्काल पश्चात, कुछ माह के पश्चात हो गया होगा। अर्थात महाभारत युद्ध और परीक्षित का जन्म एक साथ हुआ। तो सारे पुराण कहते हैं यावत परीक्षिते जन्म यावत नंदाभिषेचनम वर्षम तत्सहस्रम तु येया पंचाशदुत्तरम। अर्थात परीक्षित के जन्म और नंद का राज्याभिषेक होने के बीच 1050 वर्षों का अंतर है। जब परीक्षित का जन्म हुआ उसके 1050 वर्षों के पश्चात राजा नंद का अभिषेक हुआ। नंद और उनके पुत्रों का शासनकाल 100 वर्ष है। अर्थात जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना नंद को मार कर या हटा कर, उस समय परीक्षित के जन्म या महाभारत के युद्ध के 1150 वर्ष हुए थे। तो महाभारत का युद्ध और इनके बीच 1150 वर्ष देखें, इस समय युगांत 5125 चल रहा है। तो चाणक्य का समय कब का निकल के आया और सिकंदर का कब निकल करके आया? किसी प्राचीन ग्रंथ में हमारे यहाँ चाणक्य और सिकंदर के समकालीन होने का कोई उल्लेख नहीं है। किसी को मिला हो तो हमें बता दे। चंद्रगुप्त मौर्य की कोई जीवनी किसी प्राचीन ग्रंथ में लिखी हो तो हमें बता दे कि सिलूकस की पुत्री से उसने विवाह लिखा था, हम उसके बहुत आभारी होंगे। हमने कई समूहों में जो लोग भी इस तरह के इतिहास की बात करते थे, मैंने कहा भैया चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी केवल हमें दे दे, तो अब तक कोई नहीं दे पाया। हो सकता है कुछ आप लोगों ने भी देखा हो। ओम, हाँ शिवम जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप भी बोलिए, स्वागत है। ओम स्वामी जी, इस सारे संदर्भ में मेरा जो है मत इस तरह से है कि जिस गुणों की बार बार कुंडली के नाम से चर्चा की जाती है, वास्तव में उनकी तो कहीं बात ही नहीं होती, और जिनके बारे में हमारे समाज में भ्रांतियां ठूंस ठूंस कर भर दी गई हैं, तो वो सामाजिक मनोविज्ञान है जिसके ये ज्योतिषाचार्य या हस्तरेखा विशेषज्ञ बड़े ज्ञानी और इस बात को ताड़ने वाले होते हैं कि सामने वाला जो आया है पीड़ित व्यक्ति वो किस मानसिकता का है, और उसी मानसिकता का वो उपचार कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि यदि किसी अपन तोते वाले के पास चले जाते हैं, सड़क किनारे जो बैठे मिलते हैं, वो कुंकू करके तोता जी को आवाज देते तो तोता बाहर निकल के आता है और एक चिट्ठी निकाल के दे देता है उनको, तो क्या वो चिट्ठी अगर इतनी सटीक होती तो वो ज्योतिषी जी महाराज सड़क पे काहे को बैठे होते? आज तक किसी ज्योतिषी को जो इतने बड़े बड़े अपना नाम देते हैं वो क्यों नहीं ऐश्वर्यशाली समृद्धशाली बन गए? तो इसलिए ये बातें कपोल कल्पित तो हो सकती हैं। और जैसा अभी शर्मा जी ने बताया कि बांग्लादेश युद्ध होता है, पाकिस्तान युद्ध होता है, और कहीं का भी कोई दूसरा युद्ध होता है, घटनाएं घटती रहती हैं, उनके बारे में निश्चित रूप से कोई भी ज्योतिषी गणना
और पूर्वानुमान बता ही नहीं पाया है। हाँ ये जरूर बात है कि वो अपना दम्भ रखने के लिए कह देते हैं, सरकार नहीं मानती, तो निराधार तो सरकार कैसे मानेगी, आप उसके प्रमाण तो दिखाओ। तो आपके साथ के 5-25 लोग बैठने वाले जो मेधावी सज्जन है वही उसको नहीं मानते तो सरकार तो बहुत बड़ी बात है, वो तो पूरा बुद्धिमान को अखाड़ा है। धन्यवाद सर। धर्म और मोक्ष क्या है? जी शिवम जी आपका प्रश्न है धर्म और मोक्ष क्या है? जी तो थोड़ा सा संदर्भ पिछली बात का लेकर मैं आपकी बात बताता हूं, जितना संभव है मैं प्रयास करूंगा। तो ये सच है जो पंचांग निकलते हैं वर्ष भर के वो भविष्यवाणी कथित रूप से उसमें देते हैं, और कभी कभी इस तरह की बातें कही भी जाती हैं, देखो इस पंचांग में लिखा था कि बाढ़ आएगी, बाढ़ आ गई। तो कभी एक बार अगर वो ठीक निकल गया है तिथि तो उसका उल्लेख कर देते हैं, प्रतिवर्ष नहीं होता। भूकंप और समुद्री तूफान की भविष्यवाणी भी किसी पंचांग में कभी छपी हो तो हमको बता दीजिएगा, अगर वो पहले से बता दें कि इस वर्ष इसी तिथि को यहाँ यहाँ भूकंप आएगा तो बहुत विनाश रोका जा सकता है, हम वाकई उनके आभारी होंगे। तो ऐसा कोई कर सके, किसी के पास सामर्थ्य हो, हम नकार नहीं, बिल्कुल मानते हो सकता है कोई विद्या उनके पास हो, यदि वो बता सके तो स्वागत है। अब इसको यहाँ पर थोड़ा सा विराम देकर मैं शिवम जी की बात पर आता हूँ। इन्होंने जानना चाहा है संभवतः कि धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि क्या होता। तो धर्म तो ये है जो कुछ धारण किया जाए वो धर्म होता है। अधिक से अधिक आप ये कह सकते हैं जो कुछ हमें धारण करना चाहिए वो धर्म होता है। धारण किया जाए का अर्थ ये है कि अग्नि का धर्म ही उष्णता है। यदि अग्नि में ताप ना हो, उष्णता ना हो तो उसे अग्नि कौन कहेगा? आपने, मुझे नहीं पता शिवम जी इस समय आप किस अवस्था में हैं, क्या कर रहे हैं, विद्यार्थी जीवन में हम सब ने पढ़ा था विभिन्न पदार्थों के गुण धर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज आदि आपने भी पढ़ा होगा, उसको हमने अपनी भाषा में हमारी पुस्तकों में लिखा था गुण धर्म। जल के गुण धर्म, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के गुण धर्म। तो गुण धर्म का वहां आशय यही है कि जो उसमें अनिवार्य रूप से है, प्राकृतिक रूप से जो उसमें प्रॉपर्टी, लक्षण, गुण धर्म जो उसने धारण कर रखा है वही उसका धर्म है, वो बताया गया। तो कुछ तो गुण धर्म मनुष्य या किसी भी प्राणी का, किसी भी निर्जीव, जो भी जीव निर्जीव है, सबका कुछ तो गुण धर्म होता है जो बिल्कुल प्राकृतिक रूप से निश्चित है, उसको तो वो परिवर्तित कर ही नहीं सकता। हमको भूख लगेगी, भोजन चाहिए, प्यास लगेगी, जल चाहिए, निद्रा आएगी, हमें विश्राम चाहिए, यह प्राकृतिक हमारा धर्म है, उसका पालन तो हमें करना ही पड़ेगा वरना जीवन समाप्त। अब एक बात आती है कि समाज सुव्यवस्थित रूप से चले, इसके लिए समाज के बुद्धिजीवी मनीषी कुछ और लौकिक सामाजिक धर्म निश्चित कर देते हैं कि भाई आप चोरी नहीं करेंगे, किसी से बिना पूछे उसकी कोई वस्तु नहीं लेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, अनावश्यक किसी की हिंसा नहीं करेंगे। अच्छा भाई हिंसा बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई हमें मारने आ जाए तो? तब उन्होंने इसमें एक उपधारा दे दी, नहीं नहीं यदि कोई आपको मारने आ रहा हो तो आत्मरक्षा के लिए हिंसा कर सकते हैं। तो ये जो संहिता बन जाती है इसे धर्म कहते हैं, जो सामान्यतः लोक व्यवहार में धर्म शब्द से कहना चाहते हैं वो ये आचार संहिता है जो किसी भी समाज के उच्च स्तरीय प्रबुद्ध लोगों ने बना दी है, जिसका यदि हम पालन करेंगे तो समाज अच्छी तरह चलेगा। जैसे पहले सामान्य रूप से आप कल्पना करें, जब इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी, विवाह नहीं होते थे, कोई भी किसी के साथ कितने दिन रहे क्या करे, लोगों ने देखा अराजकता फैल रही है तो उस रिस्क का नाम मिलता, बालक था तो कोई आया उसकी माँ को लेकर चला गया, श्वेत कुत या कुछ नाम है, हो सकता है नाम मरा भ्रम हो जाए, संभवतः श्वेत कुत नाम मुझे स्मरण हो रहा है, ये हो सकता है कि नाम में मुझे भ्रम हो,
कोई भी नाम था, कोई ऋषि था, तो उसने अपने पिता से कहा कि भाई ये क्या है। उसके पिता ने कहा है समाज में चलता है, क्या किया जाए। उसको बच्चा था, उसके मन को लग गया, धीरे धीरे बड़ा हुआ, वो प्रतिष्ठित ऋषि हुआ। तो कहते उसने व्यवस्था बना दी विवाह की कि भैया जब आपकी उचित आयु हो जाए तो आप एक दूसरे के साथ विवाह करें और जीवन भर उसी के साथ रहें। उसने एक व्यवस्था बनाई। अब कहो वो ऋषि है क्या, उसके कहने से ही सब लोग मान गए होंगे? निश्चित रूप से आज की तरह ही माने। उसके उसके अपने मित्र परिचित कुछ लोगों के बीच व्यवस्था बनाई होगी, ये बहुत बड़ी क्रांति होगी। कुछ युवाओं ने संकल्प लिया होगा, मित्रों ने, कि नहीं हम एक से विवाह करेंगे और जीवन भर उसका निर्वाह करेंगे। धीरे धीरे लोगों को ये परंपरा अच्छी लगी और विवाह की एक अच्छी व्यवस्था बन गई। उसके तमाम नियम विधान धीरे धीरे लोगों ने बना दिए। तो विवाह हमारा एक पवित्र संस्कार, हमारा एक परम धर्म बन गया। तो ऐसे ही अनेक व्यवस्थाएं हमारे ऋषियों मनुष्यों ने समय की आवश्यकता के अनुसार बनाई, जो उस समय से आज तक उपयोगी हैं, वो हमारा धर्म है, उसका पालन करना चाहिए। अब समय के साथ धर्म के नाम पर कुछ रूढ़ियां अंधविश्वास भी आ जाते हैं, तो उसके लिए फिर नए मनुष्य बताते हैं नहीं नहीं भाई ये बात उतनी ठीक नहीं है, तो इसमें अब संशोधन परिवर्तन की आवश्यकता है। तो अंधविश्वास को तोड़कर थोड़ा संशोधन परिवर्तन भी किया जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि उसमें कुछ परिवर्तनशीलता भी आ जाती है, क्योंकि ये प्राकृतिक धर्म तो नहीं है, है तो मानवीय ही। ठीक है, तो मैं समझता हूँ धर्म की बात आपके समझ में आ गई होगी और अर्थ तो स्पष्ट है आपको। विद्या अर्जन के बाद धन अर्जन करना है। काम शब्द का अर्थ होता है इच्छा, ये जान ले। कम धातु का अर्थ है चाहना, जैसे हमने धर्म बताया, दृढ़ धातु धारण करना से धर्म बनता है। अर्थ का मतलब है याचना चाहना, जो कुछ हमारी आवश्यकता है वो प्राप्त करें, धन प्राप्त करें। और काम का अर्थ है चाहना, इच्छा करना, कि जो हमारी इच्छाएं हैं तो उसकी हम पूर्ति करें, ये है काम। तीसरे स्तर पर भाई आपने विद्या पढ़ ली, धन भी अर्जित कर लिया, अब हमारी कुछ इच्छाएं होंगी कि भाई हमारा ऐसा घर परिवार हो, कुछ ये सुख सुविधाएं हो, ये हम आनंद भोग कर सकें, तो ये सारी इच्छाएं हमारी पूरी हो। इसलिए कहा गया हमारी व्यवस्था में कि तीसरा ये काम को भी पूरा महत्व दिया गया है। कैसा नहीं सबको सन्यासी बना दो तो समाज कैसे चलेगा? तो जो मनुष्य की स्वाभाविक आवश्यकताएं इच्छाएं हो सकती हैं, वो सुख सुविधाएं उसको प्राप्त हो, इसको भी हमने मान्यता दी। और अंत में मोक्ष का अर्थ यही है कि फिर आप जैसे आयु अधिक हो जाती है, जैसे अब हम जिस अवस्था में आ गए हैं, तो यही होता है कि सांसारिक कामनाओं से, सांसारिक इच्छाओं से हम मुक्त हो जाए। मोक्ष का अर्थ है छुटकारा, मुक्ष का अर्थ छूटना, छोड़ना। तो मोचन, मोक्ष एक ही शब्द है, मतलब सांसारिक जो ये परंपराएं, बंधन, कामनाएं, इच्छाएं, तमाम सांसारिक जो बंधन होते हैं, इन सांसारिकताओं से अब अपने आप को छुटकारा दिला दें, इनसे मुक्त हो जाएं। और अंतिम समय है, अब आप उस सत्य की साधना करें, ईश्वर को जानने समझने का प्रयास करें और मान लें कि हमारा समय हो गया है, हमारी ट्रेन आई और हमें बैठ के निकल लेना है। आप बिल्कुल तैयार रहें, संसार के माया मोह से मुक्त हो लें और ईश्वर में लीन हो जाएं। मेरे विचार से यही मोक्ष है। शेष तो कोई कुछ भी कह सकता है, कह सकते हैं कि भाई अंत में उसी ईश्वर में विलीन हो जाते हैं, ये मोक्ष है। कोई कह सकता है कि नहीं भाई, आत्मा तो सदैव अस्तित्व उसका रहेगा ही, बस वो है कि जन्म मरण से छुटकारा पा जाएगा, बहुत समय तक उसका कोई जन्म नहीं होगा, बहुत लंबे समय के बाद पुनः जन्म होगा तब होगा। मतलब वो तो फिर कह सकते हैं, लोगों के अपने विचार और कल्पनाएं हैं, उनमें अंतिम सत्य मैं किसी भी एक विचार को नहीं कहूंगा। वो सभी सत्य हो सकते हैं, उनमें से कोई सत्य हो सकता है, जो आपको ठीक लगे माने। हम यही कह सकते हैं कि किसी एक को मैं सत्य या बाकी को असत्य नहीं कहूंगा, ये मेरा अपना विचार है, मेरे सारे मित्र जानते हैं, तो मुझे यही कहना था। आचार्य जी, यदि कोई और प्रश्न ना पूछ रहा हो तो मैं फिर से प्रश्न करूं अपने। जी बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, सब लोग बात करते रहें। जी जी जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे तांत्रिक वगैरह रहते हैं, तांत्रिक नहीं, जैसे हम कई जगह पूजन करवाने जाते हैं,
अभी तो मतलब मैं पूरी तरह से आर्य समाज से नहीं जुड़ा हूँ, केवल अध्ययन करता हूँ। हम कई जगह मूर्ति पूजा इसके लिए जाते हैं लोगों के पास में, तो वहां पे एक अलग से एक दूसरे पंडित जी आते हैं जो तांत्रिक होते हैं। हम पूजा करवाने के बाद चले जाते हैं वहां से, फिर वो आते हैं, फिर उनके पास में एक जो उनके घर का कोई व्यक्ति होता है उसे, फिर उनके इष्ट देवी देवता आते हैं जिनकी वो देवताओं की पूजा करते हैं, गौण देवता इत्यादि, वो उनको आते हैं और फिर उनकी बिल्कुल भाषा बदल जाती है। वो मतलब चिंगारने लगते हैं, सांसें लेने लगते हैं तेजी से, और कुछ बातें जो उस जो सामने वाला व्यक्ति होता है उसके मन में होती हैं, जो उसने उन देवी देवताओं को बताई थी, मतलब पर्सनल रूप से बताई थी, इस व्यक्ति को पता चल जाती है, जो कि कभी मतलब उनके उनसे मतलब उनको उसको पता भी नहीं था कि ऐसी बातें भी हुई होंगी। और फिर बता देगा कि तूने ये मुराद करी थी, तूने ऐसा बोला था कि जब तेरा काम हो जाएगा तब तू ऐसा बनवाएगा मेरा चबूतरा, तो मेरा चबूतरा नहीं बना है, मेरे पास कल रात को ये हुआ था, वो हुआ था, और तूने अपनी इच्छा मतलब पूरी नहीं करी है, तूने अपने जो मुराद मांगी थी वो पूरी नहीं करी है, वो सब कुछ बता देता है उसके बारे में, और उसकी परेशानी बता देता है, उसके मन में जो चल रहा है वो सब बता देता है, वो व्यक्ति वो सब कुछ बता देता है उसके बारे में। और बस यही जानना चाहता हूँ कि मतलब ये कैसे होता है। भैया जी, प्रश्न आपका बिल्कुल उचित है। जैसा जो आपने पहले बताया था, जो जब आपने ज्योतिष साहब की चर्चा की और आपने कहा आपके मामा जी या कोई और निकट जानने वाले हैं, तो मैंने जो आपको बताया वही बताया कि जैसे जो हमने कहा धीरेन्द्र शास्त्री जो करता है एक बाबा जी बन करके, और वही बहुत से लोग युवा हैं जो सामान्य वेशभूषा में सबके सामने वो कला उससे अच्छी प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जो जो तांत्रिक वाला ड्रामा है, हाँ जी हाँ, मेरे मुंह से सहज भाव से निकला, ये वाकई एक आडंबर ड्रामा है, वो दिखावे के लिए ये सब करते हैं। बाकी वो कोई कला विद्या हो सकती है जिससे वो कुछ चीजें जान जाते हैं, या जैसा कि मैंने कहा कुछ उनके चेले साथी चेले चमचे हो सकते हैं जो कुछ बातें पता लगा कर बता देते हैं। तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि मेरी इतनी आयु हो गई है और इतने क्षेत्र में जीवन भर कार्य किया है, तो हर तरह के लोग हमें मिले हैं। तो इनके चेले होते हैं, एक ने बताया, अब उसके किसी घर में गए, इनसे कुछ करना क्या हुआ, अपने कुछ चेलों को उन्होंने कुछ सिक्के दे दिए, पुरानी बात है, सिक्के भी चलते थे, अभी भी घर चलते हैं, 5-10 रुपए के चलते हैं, 10 रुपए 2 रुपए के भी चलते होंगे, तो कुछ दे दिए उन्होंने। अब उन्होंने घर में पूजा पाठ में सबको फंसा रखा है, उनके चेले जो है वो अपने कार्य में लग गए हैं, सब तो पूजा पाठ में लगे हैं, उनके कुछ चेले वो अपने व्यवसाय उसमें लगे हुए हैं, तो यहाँ वहां उन्होंने जाके कुछ सिक्के बिखेर दिए नाली में, और ये और वो इधर उधर, इनका पूजा पाठ का आडंबर चल रहा है। उसके बाद साहब ये देखो तुम्हारे घर में ऐसा धन था, ये था, तुमने ये किया वो किया, इससे वो चला गया पै गया, और देखो ये देखते हैं। और उसके बाद वो अपने तरीके से कुछ अपना एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव बना करके दिखाएंगे, देखो यहाँ पर ये थे और तुमने ये किया इससे ये हो गया, अंता तुम्हारे पास तो करोड़ों की संपत्ति आनी चाहिए थी, भाई देखिए हमने इतना किया लेकिन आपके इस कारण के कारण आपने चूंकि ऐसा नहीं किया ऐसा किया तो वो आपका चला गया, और ये बस केवल ये दिख रहा है, अन्यथा तो यहाँ आपको करोड़ों का हीरे जवाहरात सोने चांदी मिलना चाहिए था। तो क्या करें पंडित जी, तो भैया आप ये पूजा पाठ या अनुष्ठान कराओ तो ठीक हो जाएगा। उन्होंने थोड़ा बहुत 100-200 रुपए वहां एक तरह से इन्वेस्ट कर दिए, लगा दिए, और उससे फिर हजारों बैठेंगे लाखों बैठेंगे जिसकी जिसकी सामर्थ्य हुई। तो मुझे करने वालों ने मुझे बताया है, किसी और ने नहीं, जो खुद बता रहे हैं कि हमने वहां ऐसे ऐसे किया, और उनकी दुकानदारी उनका धंधा अच्छा चल रहा है, वो खूब बढ़िया कमा खा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये हम लोग नहीं कर सकते, हमारे स्वभाव में नहीं है, हमारे बस की बात तो नहीं है, लेकिन ये मान लीजिए कि कुछ कला होती है जिससे दूसरे के मन की बात भावना या बहुत सी बातें जानी जा सकती हैं। मनोविज्ञान एक विषय है, एक वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कृष्ण जी हम लोगों के साथ हैं, बहुत सी बातें उससे भी पता चलती हैं, तो वो अपने आप में एक विद्या है, कला है, जो आप सब सीख सकते हैं। कुछ लोग थोड़ा सीख करके और अधिक आडंबर फैलाकर उसका दुरुपयोग करके लोगों को ठगते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, इसमें मुझे इतना ही कहना है। ओम स्वामी जी, मेरा आखिरी प्रश्न, यदि योग दर्शन में भी एक एक जगह आया हुआ है हृदय चित्त संपत्त, इस प्रकार का एक सूत्र है कि चित्त को पढ़ा जा सकता है योग, मतलब योग साधना करके।
जी मेरा आखिरी, बोलो बोलो भैया जी बोलो जी। आचार्य जी मेरा आखिरी प्रश्न ये था कि जैसे मामा जी ज्योतिष वगैरह बताते हैं लोगों का, वो लोग उनके पास अच्छी भीड़ आती है, वो सबके बारे में सब कुछ बता देते हैं, उनकी समस्या को ठीक कर देते हैं, रोग भी ठीक करते हैं, सब बता देते हैं। तो मैंने जब उनसे आग्रह किया कि मामा जी मुझ पर भी कृपा करिए, मुझे भी बताइए, तो उन्होंने कुछ दिया मुझे, मतलब 12 भाव याद करने के लिए दिए, तन धन बल सुख प्रेम शत्रु भोग आयु भाग्य कर्म लाभ व्यय। तो उन्होंने मुझे ग्रह बताया कि यदि सूर्य इस किसी भी भाव में बैठा हो, जैसे मान लेते हैं तन धन, दूसरे भाव में बैठा हो, धन वाले भाव में बैठा हो, तो उसको उसका पिता धन देगा, यानी कि जो वो जो पुत्र उत्पन्न होगा ना, उसका जो मतलब जो बेटा उत्पन्न होगा, जो बच्चा पैदा हुआ है, उसका पिता धनी अवश्य होगा, ये निश्चित है, ऐसा उन्होंने बोला। अगर सूर्य तीसरे घर में है, तन धन बल, तो उसका जो पिता है ना, वो मतलब बहुत शक्तिशाली होगा उसका पिता, ऐसा उन्होंने बताया मुझे। तो इसमें कितनी सच्चाई है? उन्होंने निश्चित रूप से कह दिया कि ऐसा होना ही निश्चित है। भैया जी इसका उपाय यही है कि मेरा निवेदन यही है कि मामा जी की पूरी सेवा करें और इनसे इस विद्या को थोड़ा सीख लें, समझ रहे हैं मैं कह रहा हूं, उनकी पूरी सेवा सम्मान करते हुए प्रयास करें, थोड़ा सीख लें, उसके बाद हमारे बताए हुए तरीके से यदि मामा जी माने तो वो उनको भी साथ ले लें अभी से, अन्यथा सीखने के बाद स्वयं करें। किसी भी विद्यालय कार्यालय कहीं एक स्थान पर जाएं जो 100, 200, 500, 1000 लोगों की कुंडली देखें और अपने इस गणना के अनुसार भविष्य उनका भाग्य फल भविष्य जो भी वो लिखें, उसके बाद उसका परीक्षण करें कि कितने प्रतिशत कितने लोगों पर सही निकला। यदि ये करने के लिए कोई ज्योतिषी तैयार हो तो मैं उसका स्वागत करता हूं। मैंने बहुत प्रयास किया, एक भी ज्योतिषी नहीं मिला जो इस परीक्षण के लिए तैयार हो। अरे भाई इतने लोगों को मैंने बता दिया सब सही निकला, आप कैसी बात करते हैं, इस परीक्षण की क्या आवश्यकता है, देखो इनको मैंने बताया उनको मैंने बताया, वो दो चार उदाहरण गिना देगा। परंतु इस तरह निष्पक्ष परीक्षण के लिए अब तक कोई भी ज्योतिषी, कोई भी तांत्रिक, कोई भी चमत्कारी बाबा सहमत नहीं हुआ कि ठीक है मेरी विद्या सत्य है, आप परीक्षण कर लो। जैसे साइंस में कोई खोज होती है तो उसका विधिवत परीक्षण होता है, इस परीक्षण के लिए कोई बाबा, कोई तांत्रिक, कोई ज्योतिषी अभी तक सहमत नहीं हुआ। कोई हो जाए तो हमें बताइएगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ओम जी। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, क्या योगाभ्यास करने से सामने वाले का चित्त पढ़ा जा सकता है, मन पढ़ा जा सकता है? फिर मैं कहूंगा कि योगाभ्यास के नाम पर कोई कर्मकांड करने से कुछ नहीं होगा। जैसा कि मैंने कहा, एक विद्या है, एक कला है, सुयोग्य गुरु के पास उसके मार्गदर्शन में भली प्रकार सीखेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, इसको तो मैंने नकारा नहीं। लेकिन तथाकथित योग साधना के नाम पर कोई धर्म कर्म मानकर कर्मकांड करते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला, ये बिल्कुल तय मान लीजिए। वो एक विद्या है जो सीखनी पड़ेगी, ना तो आसन प्राणायाम करने से होगा, उठक बैठक करने से कुछ नहीं होगा, या आंख बंद करके आप तथाकथित ध्यान लगा लेंगे उससे भी कुछ नहीं होगा, इतना तो मैं कह सकता हूं बहुत अनुभव के बाद। और भी संभवतः हरीश जी कुछ कह रहे थे तो बताएं, स्वागत है। ओ धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी जो इनके प्रश्न उसी में जोड़ने की बात थी कि जिस तरह से हम कहीं पर जाते हैं तो जो लोग होते हैं वो मनोविज्ञान के इतने जानकार होते हैं, व्यवहारिक मनोविज्ञान के, कि जैसे किसी व्यक्ति का उन्होंने हाथ देखना शुरू किया, अरे भाई तुम्हारे पास तो धन ठहरता नहीं, बड़े परिश्रमी हो, इस तरह की बातें व्यवहारिक रूप से लगभग 99% लोगों की स्थिति यही है। और जो धनी मानी व्यक्ति है वो तो जाता नहीं बल्कि उसका तो ज्योतिषी खुद चक्कर लगाते हैं, तो ये व्यवहारिक मनोविज्ञान है। उसी तरह से दूसरी एक बात ये भी होती है, कुंडली वाली बात जब बार बार उन्होंने उठाई अपनी और मामा जी का जिनको उन्होंने चर्चा किया, तो वो लोग इस बात के पारंगत हैं कि लोगों का मनोविज्ञान व्यवहार विज्ञान क्या है उसको वो भली प्रकार से समझते हैं, जो पुस्तकों में कहीं भी नहीं है। लेकिन ये उनके अपने अध्ययन अनुभव से और उनके अपने गुरु सेवा से उन्होंने प्राप्त किया। जी मुझे ध्यान आया
कि 25-30 वर्ष हुए होंगे, बहुत पहले की बात है, किसी एक सज्जन ने इसे हमको बताया, बोले ज्योतिष के पास जाएंगे, उसका पास तैयार, उसने देखा और बोला भैया जी आप संतान की ओर से संतान पक्ष से दुखी हो, उनका अब आप बता दीजिए संसार में कौन है जो संतान को लेकर दुखी नहीं है, या तो उसके संतान है ही नहीं। अरे पंडित जी आपने तो बिल्कुल चमत्कार कर दिया, इतने वर्ष विवाह को हो गए अब तक कोई संतान नहीं है, और साहब मेरे जीवन का एक फेंका, कहीं ना कहीं तो लगना ही है, या तो संतान नहीं है, या संतान है तो उसकी बात नहीं सुनता, उसका बच्चा पढ़ रहा है तो पढ़ने में ठीक नहीं है, पढ़ने में ठीक है तो कुछ और चंचलता उदंडता है, बहुत शिकायतें हैं, तो ऐसा कोई संसार में होगा ही नहीं जिसको संतान को लेकर के पूरी संतुष्टि हो। तो उन्होंने जाते ही बोला कि भैया आप संतान के लिए दुखी हो। अब उसके बाद तो अगला स्वयं बोलना प्रारंभ कर देगा, चुप रह ही नहीं सकता वो, कहते हैं मनोविज्ञान है, ज्योतिषी जी कह रहे हैं कि ये मनोविज्ञान है, वो चुप रह ही नहीं सकता, अगर हमसे कहते हैं कि भैया आप चुप रहो मैं बता रहा हूँ, लेकिन वो चुप रह ही नहीं सकता, वो सब कुछ खुद ही बोलना प्रारंभ कर देगा। अब वही जो आपने कहा उसको इतना अभ्यास है, अनुभव है कि उसी की बातों को ध्यान से सुन करके उसी को अपनी लक्ष्यदार भाषा में लपेट करके उसको सुनाने लगेगा और प्रभाव छोड़ देता है, अधिकतर यही होता है। ये बिल्कुल सत्य है जैसा कि कहा गया कि एक कुछ विद्या हो सकती है लेकिन उसमें आडंबर अधिक है और विद्या थोड़ी सी होगी। ओम, तो और विषय हो, कोई और बात हो तो कर सकते हैं। आज इस विषय पर हम लोगों ने अच्छी चर्चा की और संभवतः बहुतों का बहुत कुछ भ्रम दूर हुआ होगा। पुलकित भी जुड़े हैं, कुछ आप कहना चाहें हरि जी या अन्य जो भी साथी हैं जो हमको नहीं भी दिख रहे हैं, आप सब जानते हैं कि मैं सबको देख नहीं पाता, तो जो भी सज्जन हो यहाँ सबको बोलने की अनुमति है, बोलिए जिसको बोलना हो। स्वामी जी नमस्ते। ये ज्योतिष विद्या जो है जो फलित ज्योतिष के नाम पे आज आडंबर फैला रखा है, ये आडंबर के अलावा कुछ नहीं है। और बाकी गणित विद्या तो ज्योतिष में मानते हैं कि गणित ज्योतिष को ज्योतिष के रूप में गिना जा सकता है, गणित के हिसाब से ज्योतिष की गणना, नक्षत्रों की गणना और हमारे सौर चंद्र आदि में जो भी घटना घट रही है उनकी घटनाएं जो है गिनी जा सकती है। लेकिन फलित ज्योतिष तो केवल और केवल आडंबर के अलावा मैं इसको कुछ नहीं मानता हूँ। बाकी जो लोग जो मानते हो, क्योंकि उसमें ज्योतिषी जो लोग होते हैं, जो आज के समय में जिन लोगों ने ये आडंबर फैला रखा है उनका एक जाल है, नेट जैसा जाल, 10 लोगों को एक तरीके से 10 लोगों का एक संगठन है मान लीजिए, और उस संगठन में एक व्यक्ति मुख होता है, बाकी 10 लोग उस प्रोपोगंडा को फैलाते हैं। स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में उसका बहुत अच्छे तरह से वर्णन किया है कि किस तरह से ये लोग ठगते हैं। तो जो लोग अगर इस चीज को सही ना माने वो सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ ले और पढ़ने के बाद में उसका आकलन करें ये सही है या गलत। मैं तो सिर्फ इतना मानता हूँ, ऋषि दयानंद ने इस पर बहुत कुछ संकेत किया है, बाकी जैसी लोगों की इच्छा माने या ना माने इनके ऊपर। जी चर्चा सत्यार्थ प्रकाश से ही प्रारंभ हुई थी, भैया ने यही कहा था कि सत्यार्थ प्रकाश में हमने ऐसा ऐसा पढ़ा है और समाज में ऐसा ऐसा है। हो सकता है आप थोड़ा बाद में जुड़े हो या रहे होंगे तो सुना होगा, तो इस विषय की चर्चा यहीं से प्रारंभ हुई थी कि सत्यार्थ प्रकाश में ऐसा कहा गया, इसीलिए स्वस्थ चर्चा हो पाई, किसी ने किसी की निंदा या कोई वैसी भाषा का प्रयोग नहीं हुआ, बहुत स्वस्थ वातावरण में इस विषय पर हम लोगों ने गंभीर और अच्छी चर्चा की। ये हम सब जी, बहुत सार्थक चर्चा हुई। तो अब कोई और विषय है मेरे विचार से हो तो ले लें, इस विषय पर तो आज व्यापक चर्चा हो गई। ये जो बार बार बात ज्योतिष को लेकर आती है, ग्रह नक्षत्रों को लेकर आती है, तो त्रिकोणमिति जिसको ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है अंग्रेजी में, एक गणित के अंदर एक विषय होता है, उसमें ज्या कोज्या जिसको साइन कोसाइन थीटा टेन थीटा कहा जाता है, इससे वही गणनाएं की जाती हैं। और जो वैज्ञानिक लोग, चाहे वो अपने भारत में इसरो हो, अमेरिका में नासा हो, रूस की जो अपनी दूसरी एजेंसी वो हो, वो
वो सब उसी त्रिकोणमिति सिद्धांतों को लेकर के ही इन दूर दराज में बैठे हुए दूरवर्ती पिंडों ग्रहों नक्षत्रों की गणनाएं करते हैं और उनके ऊपर अपने चंद्रयान को अंतरिक्ष यान को जो भी अलग अलग भेजे जाते हैं उनको सफलता पूर्वक वहां पर उतारते भी हैं और वहां पर उनका संचार कराने के बाद उनसे अपने यानों और उपग्रहों से काम कराने के बाद उनको वापस पृथ्वी पर सकुशल भी लाते हैं। नमस्ते आदरणीय हरी जी, एक प्रश्न पूछना था आपसे, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? अवश्य, तो खुले मंच में जुड़े ईसा जी, तो जरूर पूछिए, उत्तर दे सका तो जरूर प्रयास करूंगा। अभी इंस्टाग्राम रील्स में एक वीडियो दिखाया जा रहा है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है, ये तो ठीक है, लेकिन सूर्य भी जो है ब्रह्मांड कोई गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है ऐसा बताया जा रहा है, तो ये बात सही है क्या? ईसा जी, आपने जो बात उठाई है ये तो सर्वविदित है कि कोई भी ग्रह नक्षत्र पिंड जो है वो स्थित नहीं है, और जब वो स्थिर ही नहीं है तो निश्चित रूप से वो चलायमान है, जब चलायमान है तो चक्कर तो लगाएगा ही, चाहे वो अपनी जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, फिर पृथ्वी जो है क्या नाम से अपने वृत्त के अंदर घूमती है, तो इस तरह से पृथ्वी की तीन गतियां हैं, इसको एक को बोलते हैं एक्सियल, दूसरे को बोलते हैं ट्रांसलेटरी, तीसरा एक और होता है जिसको भी नाम याद नहीं आ पा रहा मुझे, तो तीन गतियां पृथ्वी करती है, साइकिल है, एक तो साइकिल को अपन जब स्टैंड पर खड़ा करके उसका पेडल घुमाते हैं तो एक गति ये हो गई, दूसरी गति ये होती है कि साइकिल जो है चलती है तो ट्रांसलेटरी हो गई, उसी तरह तीसरी गति एक और होती है, तो ये हर पिंड के हर ग्रह के लिए जो भी चलायमान है उसके लिए तीन तीन गतियां हैं, ये तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं है ना कोई अचंभे की बात है, सारी बातें विज्ञान से जुड़ी हुई है, विज्ञान के बाहर कुछ भी नहीं है ईसा जी, ये अलग बात है कि जैसे आपने मुझसे पूछा, मुझे जानकारी दी तो मैंने आपके साथ बांट दी, लेकिन यदि किसी को जानकारी होगी नहीं तो उसको चमत्कार बोलते रहेगा या ये बोलेगा कि वो लोग भ्रम फैला रहे हैं, या जैसे गैलीलियो के सामने कहा गया कि भाई जो है बाइबिल मानता रहा, आज ही बाइबिल मानता है कि सन मूव्स अराउंड द अर्थ, मतलब सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जबकि गैलीलियो ने स्थापित किया कि अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन उसको मानने को तैयार नहीं है। और गैलीलियो से पहले एक वैज्ञानिक थे कॉपरनिकस, जिन्होंने करीब गैलीलियो 350 वर्ष और गैलीलियो को करीब अपने से 250 वर्ष हुए थे, लगभग 600-700 वर्ष पूर्व की बात हो जाती है, तो वहां से चीज स्थापित है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन आज भी ईसाइयत बाइबल अभी भी यही मानती है कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, कुरान इस्लाम भी यही मानता है कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी सपाट है, तो ये तो लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं जो विज्ञान से कहीं भी मेल नहीं खाती, और हमारे शास्त्रों में इस बात को बड़े स्पष्टता से उल्लेख किया गया है कि सारे ही ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड के अंदर जो भी पिंड है वे सभी चलायमान है, कोई भी स्थिर नहीं है, तो जब स्थिर नहीं तो निश्चित रूप से उनके अंदर कोई ना कोई गति तो है, ये अलग बात है कि हम जाने या ना जाने, माने या ना माने, वो सबका अपना अपना विचार बन सकता है। धन्यवाद। मेरा ये कहना था कि देखिए पृथ्वी तो सूर्य के चक्कर लगा रही है तो सबको पता है, लेकिन अभी मैंने एक रील में देखा इंस्टाग्राम रील में कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर तक चक्कर लगा रही है और सूर्य भी किसी न किसी के चक्कर लगा रहा है, मतलब गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है और सब लोग बढ़ते जा रहे हैं आगे, स्थिर नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है जो आपने कहा, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, और सूर्य अपने सारे ग्रहों उपग्रहों सहित पूरे सौर परिवार के सहित आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगा रहा है, ये आकाश गंगाएं भी किसी का चक्कर लगा रही हैं, ये पूरा सृष्टि पूरा ब्रह्मांड ऐसे ही परिभ्रमण कर रहा है, यही सत्य है, सब ऐसे ही छोटा पिंड अपने बड़े पिंड के और उसका बड़ा पिंड
उससे ये चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाएगा, अपने ग्रह का चक्कर लगाएगा, ग्रह अपने सूर्य का चक्कर लगाएगा, सूर्य आकाश गंगा का चक्कर लगाएगा, आकाश गंगाएं अपने एक और महासूर्य, मैंने आपको बताया था सूर्य किसी महासूर्य का चक्कर लगाता है, वेद मंत्र की व्याख्या करते समय हमने बताया था आपको, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो अब समय तो हो गया है, फिर भी कोई महत्वपूर्ण प्रश्न होगा तो हम ले सकते हैं, समय का इतना बंधन नहीं है। आज बहुत अच्छी चर्चा हुई, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो तो अभी हम ले सकते हैं, और कोई प्रश्न नहीं होगा तो फिर समापन किया जाएगा। ओम मंत्र तो होगा, बताइए किसी का कोई प्रश्न है तो अभी कह सकते हैं। ओम स्वामी जी, जैसे ब्रह्मांड में तमाम सारी चीजें हैं, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे जिनके बारे में प्राणों में चर्चाएं आती हैं अलग अलग तरह से, या जो लोक कथाएं हैं, उनका कहीं कोई ऐसा संकेत का उल्लेख मिल पा रहा है क्या? हम समझ नहीं पाए आप क्या कहना चाहते। ये जो है ब्रह्मांड के अंदर अनेकों ध्वनियां है, क्योंकि ध्वनि में एक ऊर्जा है और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, तो हमसे हजारों सैकड़ों साल पहले आज की तारीख से जो अनेकों युद्ध हुए, अनेकों प्रकार के तमाम सारे आविष्कार हुए, और जो अनेक अंतरिक्ष के अंदर हलचले हुई, तो उनका भी कहीं किसी तरह से कोई संकेत या प्रमाण कुछ भी मिल पा रहा है? कह सकते हैं अभी तो नहीं मिल पा रहा है, हो सकता है भविष्य में तकनीक और विकसित हो जाए तो इस तरह की खोज भी संभव हो सके। जैसे अभी भूमि के नीचे क्या है तो तरंगों के माध्यम से बहुत कुछ हम पता लगा ले रहे हैं, कुछ समय पहले तक ये संभव नहीं था, तो हो सकता है भविष्य में कुछ ऐसी तकनीक विकसित हो जाए कि पहले जो कुछ हुआ है, हो सकता है महाभारत के युद्ध को या पानीपत के युद्ध को बिल्कुल ऐसे ही देख सके हैं जैसे हम पहले के बनाए हुए वीडियो देखते हैं। तो ये भविष्य पर छोड़ दीजिए, कभी कोई ऐसी तकनीक विकसित हो पाएगी तो संभव भी हो सकता है, कम से कम अभी नहीं हो पा रहा है, मैं इतना कह सकता हूँ। जहां तक मेरी जानकारी है अभी ऐसी किसी तकनीक का विकास नहीं हुआ है, भविष्य में संभव है ये मैं मानता हूँ, ये असंभव नहीं है कि भविष्य में हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ओम ये जो अपने अंतरिक्ष यान गए हैं उसमें अमेरिका ने बीच में भेजा था जो अटक गया था अंतरिक्ष में, लगभग 82-83 की घटना है, तो उस समय उस अंतरिक्ष यान की मदद के लिए अमेरिका ने दूसरा ही भेजा था जो वहां पर पहुंचा भी। उस अंतरिक्ष यान में जो यात्री थे उन्होंने ऐसे उनके विश्राम के समय यहाँ जो मॉनिटर कर रहे थे, उन्होंने सुबह उनसे पूछा कि आपके साथ कोई झगड़ा हुआ क्या, आपके साथ किसी प्रकार का कोई आक्रमण हुआ क्या, क्योंकि हम लोगों ने इसी तरह की वहां पर जो संग्राम लड़ाई जैसी आवाजें सुनी। ये बहुत वैसा विषय हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये सब जैसा कि मैंने कहा कि अभी आगे कुछ भी संभव है, तकनीक का विकास धीरे धीरे हो रहा है, क्या भविष्य के घर में है नहीं कह सकते, असंभव तो नहीं लगता, लेकिन अब वो कितना समय लगेगा, हमारे जीवन काल में हो पाएगा या नहीं, इन बच्चों के जीवन काल में हो सकता है हो भी जाए, तो ऐसे ही प्रयास करें, आशा रखें कल कुछ और आएगा, अच्छी बात है। तो धन्यवाद, तो अब मेरे विचार से कोई और बात हो किसी की तो रखें या समापन करें ओम मंत्र के साथ। चलिए ओम मंत्र बोलिए, समापन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आज अच्छी चर्चा हुई। ओम ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्। ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते।
ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते सभी को सादर नमस्ते। बोलो अब सायंकालीन वेद कक्षा में रात 7:30 बजे हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति ओम नमस्ते ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म ओम नमस्ते। ओम नमस्ते सभी को ओम खं ब्रह्म। ओम नमस्ते सभी साथियों को सादर नमस्ते। ओम नमस्ते।